ये पानी ऊपर से टपक रही है देखो, और ये है वो द्वार जहाँ से कैप के अंदर तक जाती है। और वह पानी जो बह रही है वह कैप से ही निकला हुआ पानी है, देखो ये पानी टपक रही है, ये देखो एकदम गीला गीला सा है। माय गॉड, भयंकर लग रही है जगह। तो ये है गाइस सिज़ू कैप, अभी हम अंदर तक जाएंगे, देखेंगे सिज़ू कैप में और क्या देखने को मिलता है। सो लेट्स फाइंड आउट। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ गारो हिल्स की तरफ, लेकिन इस बार होगी ईस्ट गारो की ओर। पिछले दो वीडियो में आप देख चुके होंगे मैं वेस्ट गारो में दो तीन जगह ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दी है। अभी मेरी डेस्टिनेशन है सिज़ू कैप, वारिसोरा और विलियम नगर। इन तीनों जगह को आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, अगर वक्त मिले तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी हम पहुँच गए हैं असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के एक जगह जिसका नाम है दुधनोई, और यहाँ से हम सीधा सिज़ू कैप तक की ओर बढ़ेंगे। भाग मारा 132 किलोमीटर, तो वो भाग मारा ही है इंडिया बांग्लादेश की एक बॉर्डर चेक पॉइंट। यहाँ से 132 किलोमीटर, यहाँ से शुरू होती है मेघालय की बॉर्डर। देखो वेलकम टू मेघालय। तो मेघालय पहुँचते ही एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया व्यू, एक नयापन आ रही है। दिस इज व्हाई आई लव टू ट्रेवलिंग। जब भी किसी नई जगह पर जाता हूँ तो कुछ नया देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों को बात करते हुए अब नयापन नहीं आएगा। तो अब नयापन लाने के लिए कुछ नई जगह जाना पड़ता है, नए लोग से मिलनी पड़ती है, नया खाना पीना, नया कुछ सोचने का तरीका, तभी आप देख पाएंगे। देखो ये मेघालय आते ही रास्ते कार बोना शुरू हो चुके हैं, यही है मेघालय की पहचान। और रास्ते तो आप कहो ही मत, इतनी बढ़िया रास्ते भाई, जबरदस्त जबरदस्त। तो देखते थे यहाँ की महिलाएं टोकरी लेके कुछ लेने जा रहे होंगे इन जंगलों से या अपने बागानों से। तो ये यहाँ की आम जिंदगी है। देखो कितना बड़ा जंगल है ये, ये है दाम्बो फॉरेस्ट, काफ़ी भरा है ये, भयंकर लग रही है यहाँ, एकदम सुनसान सी। यहाँ का पेड़ भी काफ़ी भरा भरा है, तो इसी से पता चलता है कि ये जंगल काफ़ी पुरानी है और काफ़ी पेड़ पौधे हैं। माय गॉड, बहुत बड़ी जंगल है। तो ये एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ ज़्यादा रहना सेफ नहीं है, कोई भी जानवर आ सकते हैं। तो गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ग्लव्स खोल लिए मैंने। माय गॉड, ये जंगल तो काफ़ी भरा है। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से हमें जाना है राइट साइड। ओके, तो ये एक मार्केट एरिया है और शायद यहाँ की टाउन है ये। ओके, इस जगह का नाम रोंगजेंग। तो इसी तरह पहाड़ों के बीच वैली आ जाते हैं और वैली में ही लोग रहते हैं। रास्ते बहुत ही पतली, तो ये एक काफ़ी बड़ा
हैली है और यह धान खेत होते होंगे यहाँ, तो यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे लेफ्ट क्योंकि मुझे बागमारा की ओर जाना है। तो उसी रूट पे है शिजु कैप और वो 47 किलोमीटर विलियम नगर यहाँ से, तो वक्त मिले हम विलियम नगर भी जाएंगे। और अब यहाँ से शिजु कैप तक 53 किलोमीटर, तो ज़्यादा देर नहीं, शायद मुझे और 1.5 घंटे लगेंगे तो हम पहुँच जाएँगे। अभी हम बस के 9:17, तो वहाँ 10 लगभग 11 बजे हम पहुँच जाएंगे शिजु कैप तक। और ये भी एक शायद रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ही है, तो इस गारो हिल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। रास्ते के किनारे बड़े बड़े जंगल है, लेकिन यहाँ शायद जानवर नहीं है। अगर जानवर होता तो लोग इतना यहाँ आता जाता नहीं करते। कुछ लोग तो यहाँ पैदल आते जाते हैं, कुछ तो साइकिल में आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ ऐसी खतरनाक वाले कोई जानवर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, अगर खाने कुछ मिलते हैं। चाय होगी? चाय हाँ, नहीं है, नहीं बोला। यहाँ के लोग हिंदी इतने बोलते नहीं है, तो चाय के चुस्की लेनी पड़ी गई। शायद यहाँ चाय नहीं पीते होंगे लोग, थोड़ा थकान सी हो रही है, चाय की चुस्की तो लेना पड़ता है। मिलते हैं, बाय। पूरी खाली मैंने, थोड़ा भूख लग रही थी। तो यह है दाबू, तो यहाँ रह के थोड़ा चाय ताय पी लिया है और मस्त तरीके से अभी हम जाएंगे। ये ब्रिज सिमसांग रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, नीचे सिमसांग रिवर है, ये शायद बांग्लादेश से जाती है इन गारू पहाड़ों से निकल के। तो बाइक को काफ़ी लीन करना पड़ता है यहाँ। वाओ, लीन करते करते मेरे दाहिना पैर रास्ते पे टच हो गई, तो कितना लीन करना पड़ता होगा इतनी उसी बाइक को भी। ओह मैन, बाल बाल बच गया। यहाँ से रास्ते थोड़ा ख़राब है। अभी 20 किलोमीटर खराब रास्ते चलाना पड़ेगा। जबरदस्त गर्मी यार। फिर से आ गया हूँ एक टिपिकल कारो गाँव
कालू गांव पे आ गया हूँ मैं। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। धूल मिट्टी, सुनसान सी जगह है। आगे पीछे कोई नहीं, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, और ऊपर एक बड़ा पहाड़, एक काटा हुआ है पहाड़, और सामने है खाई। सिजुकी अब तक पहुँचने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माय गॉड, आज वापस नहीं जा पाऊँगा शायद, आज शायद वारिसोरा भी नहीं जा पाऊँगा। सिजुकी अब जाके किसी लॉज में रहना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम देखेंगे क्या कर सकता हूँ। सो तो आगे एक दो राइडर देखी, शायद वो लोग भी यहीं पर आ रही है। वापस भी जा सकते हैं, समय भी बहुत हो चुकी है। ये रास्ते तो खराब है भाई, इस रास्ते को ध्यान नहीं दिया है। साउथ गारो हिल्स काफी अनडेवलप्ड घर कंपेयर गारो टू वेस्ट गारो तुरा और नॉर्थ गारो की तुलना, यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम है। स्पेशली रास्ते बहुत टूट चुके हैं और रास्ते भी बहुत पतले हैं यहाँ के। ये जगह थोड़ा सुनसान टाइप, या घर वार थोड़ा कम है। ये मस्त हवा आ रही है। Ой, ба-ба-ба-ба. Абе сина сижу ке ми рукенге. Бот тайм ка бати. और नहीं रुक सकते यार। ओए होए 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 होए, क्या है भाई, चलते रहो चलते रहो। ओयो ये सुनसान से रास्ते कब ख़त्म हो गए यार, ये ख़राब रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अरे बाबा, ये शायद लैंडस्लाइडिंग हो गया था कुछ दिन पहले। खतरनाक यार, रुकना पड़ेगा। ये सीधा दूधनों तक जाती है ये गाड़ी। ओहो वाह, खतरनाक खतरनाक। फिर से रुकना पड़ेगा थोड़ा, वरना खाई में। ओए होए 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 होए, वरना सीधा खाई में, वहाँ से ऊपर आना। टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। गॉड डैम, फाइनली गाइस मिलने वाला है सिजु केव। अभी हो ये है सिजु, तो सीजे तो पहुंच गया हूँ अभी। अभी कैब तक जाना पड़ेगा। सीजू कैब किधर जाते हैं? सीजू कैब तक
ऐसे ना, ओके थैंक यू। तो ये है सिजू कैब तक जाने के रास्ते, सही है। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा सिजू कैब तक, क्योंकि मैंने गूगल मैप पे देखी थी सिजू कैब जो सिमसेंग या प्रोनाउंसिएशन कैसा है आप लोग बताइए, सिमसेंग रिवर के पास ही पड़ती है। सिमसेंग रिवर तो यही है, मज़ा। ओहो सिमसेंग रिवर, ओए ओए ओए, कहाँ है वो जिसके लिए आया हो इतने दूर से। वे टू सिजू के टू बाइक को कहाँ पार्किंग करेंगे हम। तो ये है कैब की एंट्री और सामने सिमसेंग रिवर, तो बाद में आके देखेंगे इसे। पहले हम कैब के अंदर जाएंगे, यहाँ एंट्री भी कुछ करना पड़ता होगा और यहाँ पानी बहुत अंदर तक, इसलिए मैं जूता और वाटरप्रूफ सॉक्स लेके आया हूँ, तो ताकि अंदर तक जूता भी पहन सके। पता नहीं अंदर क्या देखने को मिलेगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी विल गेट इन द सिजू कैब।